नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर। तो इजी ट्रिप प्लानर के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनीज के ऊपर सबसे पहले जो बात मैं आपको दिखाऊंगा वो है इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट। तो अपडेट क्या है, देखिए, इजी ट्रिप प्लानर पंजाब नेशनल बैंक लॉन्चेस को आप देख सकते हैं ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। मतलब एक पंजाब नेशनल बैंक एक ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे किसको दे रहा है, वो दे रहा है इजी ट्रिप प्लानर को। मतलब आप इजी ट्रिप प्लानर के माध्यम से एक ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा, जिस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप किसी भी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं और किसी भी जगह पे इजी ट्रिप प्लानर का फ़ायदा ले सकते हैं, और वो भी क्रेडिट के हिसाब से। मतलब आपके जेब में अगर पैसा नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड जैसे आप यूज़ करते हैं उसी तरीके से ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के बेसिस में देखा जाए तो दो कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। एक इजी ट्रिप प्लानर को फ़ायदा मिलेगा, दूसरा पंजाब बैंक नेशनल बैंक को भी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि हर कोई अभी चाहता है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो जहाँ पे इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड के जो ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है वो अभी प्रोवाइड कौन कर रहा है, पंजाब नेशनल बैंक। तो एक मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट है जिसके कारण इजी ट्रिप प्लानर के ऊपर थोड़ा सा मोमेंटम जर्नी देखने को मिला। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर मैं क्यों बुलिश हूँ, सबसे पहले बता दूँ कंपनी के ऊपर बुलिश होने के पीछे दो रीज़न है। कंपनी के सारे पॉइंट्स आपको पॉजिटिव दिखेगा, सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे पॉजिटिव लगा वो है कंपनी का सेल्स। देखिए सेल्स के मामले में 44 करोड़ से 86 करोड़, उसके बाद 130 करोड़, उसके बाद 129 करोड़। मतलब सेल्स के मामले में कंपनी लगातार खुद के सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी कंपनी एक अलग लेवल के एक्सपेंस को यहाँ पे मेंटेन किए। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 22 करोड़ से 40 करोड़, और उसके बाद 45 करोड़, उसके बाद 50 करोड़। तो एक धीरे धीरे करके कंपनी खुद के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी ग्रोथ किया। तो जो कंपनी इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस किया, क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहाँ पे बात करूँ तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए, और उसी बेसिस में कंपनी का बोरिंग वो भी इस बार कंपनी का बोरिंग ज़्यादा हुआ, पहले उतना ज़्यादा कर्जा नहीं था। तो बोरिंग जो लिया वो कितना लिया, 116 करोड़। तो कंपनी ने कुछ सोच समझ कर ही बोरिंग्स लिया है, क्योंकि कंपनी अगर कल बोला जाए कि कल ही दिन में मुझे सारे कर्जा मिटाना है, मतलब कर्जे को सारे के सारे मिटा देना है, तो क्या वो मिटा सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं। क्योंकि कंपनी के हाथ में कैश इक्विपमेंट क्या है, 118 करोड़। मतलब हाथ में कैश भी है 116 करोड़ का कर्जा, और हाथ में पैसा है 118 करोड़। मतलब इस पैसे से कंपनी इजीली खुद के पैसे को, मतलब खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। तो सारे पॉइंट पॉजिटिव होने के कारण एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे, इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखा, चाहे वो प्रोमोटर हो चाहे वो FIIs के पास, तो होल्डिंग अच्छा खासा है। मगर इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड के पास उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, एकदम ना के बराबर होल्डिंग है, बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो छोटा सा कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, तो फिर भी कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करके खुद का भरोसा भी कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, इसके ऊपर एक ट्रेड बना था, यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद नीचे भी आया। तो मैंने आपको ये बताया कि जब जिस तरीके से नीचे आ रहा है वो दो सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट है और 200 डेज EMA का भी एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करके वो बाउंस बैक कर सकते हैं, बाकी किस तरीके से होगा बाउंस बैक वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो इस लेवल को टच करके अपार तक गए तो 60 लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट एंटी और बेस्ट टारगेट बनने का चांसेस है। अगर टारगेट तक गए तो 23% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है BSE लिमिटेड। देखिए BSE लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर आप देखेंगे तो इसका जो मार्केट कैप है वो 31,000 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी के ऊपर जो मतलब जो परफॉर्मेंस अभी हो रहा है वो बेस्ट तरीके से आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के देखिए डेप्थ एकदम जीरो है,
और कंपनी के आरओसी आरओई एक पॉजिटिव में है, उतना खराब भी नहीं है, क्योंकि कंपनी 31,000 करोड़ है। अभी कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ किया है, एक साल में 400 से लेकर 2,500 तक जर्नी किया एक साल के अंदर अंदर। तो कंपनी का अभी फिलहाल के सिचुएशन क्या है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ। मैं सबसे पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, बहुत लंबा जर्नी होने के बाद मैंने आपको ये बताया कि कंपनीज के ऊपर यहाँ पे एक एंटी बना था, जो एंटी कप विथ हैंड पैटर्न बना था, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किए। अभी देखिए, यहाँ पे एंटी होने के बाद यहाँ पे इजिली टारगेट को अचीव किया। उसके बाद देखिए एक लंबा जर्नी हुआ, और लंबा जर्नी होने के बाद मैं आपको ये बता रहा था कि मुझे एक पैटर्न चाहिए। तो फाइनली मुझे फिर से एक बार एक पैटर्न देखने को मिला है। यहाँ पे एक कप बना, और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बनने जा रहा है। मतलब कप बनने के बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर से एक एंट्री लेवल बन सकता है, और उस एंट्री लेवल में मैं खुद खुद फिर से एक बार एंट्री लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक कोई भी पैटर्न कम्प्लीट ना हो तब तक कोई भी मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो पैटर्न कम्प्लीट होने के बाद ही यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री और टारगेट मिल सकता है। तो मैंने ट्रेड क्यों डिसाइड किया वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के सेल्स 213 करोड़ से 239 करोड़ बना, और इस बार 426 करोड़ बना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी लगातार खुद के सेल्स को ग्रोथ कराते चले जा रहे हैं। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट देखने को मिले। लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स के रिजल्ट अगर दिखा दूँ, ईयर पर ईयर बेसिस में 31 करोड़ 20 करोड़, 2020 में था, 2021 में वो 59 करोड़ बना, 2022 में वो 48 करोड़ बना, और 2023 में 106 करोड़ बना। मतलब हर साल में कंपनी खुद के जो प्रॉफिट है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो एक बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर पब्लिक के बारे में बात करूँ तो इंस्टीट्यूशन तो, सॉरी प्रोमोटर तो नहीं दिखेगा, बाकी देखिए इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा बाइंग किया है, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है और आदर्श के पास भी है। आप कहेंगे सर आदर्श मतलब किसके पास होल्डिंग्स है? देखिए आदर्श मतलब बाकी कुछ पब्लिक के अलावा और भी कुछ इंस्टीट्यूशन है जो आदर्श सेक्टर के हिसाब से बाई करके रखे हैं। तो कुल मिलाकर जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा देखने को मिला, जिसके चलते मैंने क्या किया, ट्रेड लेने का डिसीजन लिया। तो ट्रेड जब बनेगा तो फाइनली मैं एंट्री जरूर लूंगा। तो मैं आपको हमेशा एक चीज बोल के आया हूँ कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको कंपनी के ऊपर सारे चीज़ों को चेकआउट करना होगा, फंडामेंटल से लेकर फाइनेंशियल से लेकर टेक्निकल, ये तीनों चीज चेकआउट करने के बाद ही आप एंट्री जरूर ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से एंट्री यहाँ पे बन सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है RBNL। देखिए सारे वीडियोस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज में है, क्योंकि मैं कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन आपको कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको सारी चीज़ों को सिखाने के लिए वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सीखने के बाद ही आप खुद की ग्रोथ कर सकते हैं। आप सीखने के बाद बैक टेस्टिंग करिए, प्रीवियस डेटा को देखिए, अगर आपको लगे कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक ही है तब आप खुद के डिसीजन के हिसाब से ट्रेड लीजिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो RBNL के बारे में बात करते तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर लगातार बहुत सारे अपडेट्स आता हुआ देखने को मिले। तो RBNL के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया था, वो रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो ज्वाइंट वेंचर आप देख सकते हैं, इमर्ज लोअर बीटेस्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹1.74 बिलियन। मतलब कंपनी फिर से एक नया प्रोजेक्ट के लिए एक बिट दिया है, मतलब एक टेंडर बिट किया है। तो इसका प्राइस रखा है $1.74 बिलियन, सॉरी बिलियन रुपीज। तो अच्छा खासा एक बिटिंग यहाँ पे दिया गया है, और इस बिट अगर कंपनी को मिले तो कंपनी को क्या कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं आप देख सकते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द कंस्ट्रक्शन का जो काम है 132 किलोवोल्ट से लेकर 222 किलोवोल्ट। ये ट्रांसमिशन जो है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिशन है उसी का काम कंपनी को मिलेगा, और वो भी कहाँ पे मिलेगा, मध्य प्रदेश में। तो ईस्टर्न रेलवे जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे कंपनी को टेंडर मिलने वाला है। ये पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के एक बिग फॉल देखने को मिला तो कंपनी बेकार हो गया, इसके लिए बता दूं कभी कभी कंपनी के ऊपर आपको करेक्शन दिखे
दिखेगा, ऐसे नहीं कि हमेशा वो ऊपर ही जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया और इस लेवल से फिर से नीचे आया, बड़ा फॉल दिखा। आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे छोटा मोटा करेक्शन हुआ था? बिल्कुल नहीं। अगर टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 27% के आसपास लॉसेस देखने को मिला था। तो फिर से देखिए रिकवर करके कितना ऊपर गया और उसी तरीके से फिर से एक बार सिनेरियो बन रहा है। अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो 35% के आसपास लॉसेस देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर रिपेक करेगा तो एक बड़ा सा धमाका देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो फिलहाल के लिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है मुझे लग रहा है इजीली वो डाउन साइड इस लेवल तक आने का चांसेस है, 197 लेवल तक। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।